हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है बेलेडोना। तो बेलेडोना का जो कॉमन नेम होता है वो है डेडली नाइटशेड, और जो वो फैमिली से बिलोंग करता है वो है सोलनेसी। तो ये एक्यूट केस पे बहुत अच्छा काम करता है एंड दिस इज़ अ प्लांट किंगडम रेमेडी। तो हम इसके स्फीयर ऑफ एक्शन पे बात करेंगे। स्फीयर ऑफ एक्शन का मतलब है कि ये मेडिसिन आपके कौन कौन से ऑर्गन और कौन कौन से सिस्टम पे काम करता है। तो बेलेडोना का स्फीयर ऑफ एक्शन ये है कि वो GIT में काम करता है, वो हेड पे काम करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है, स्किन पे काम करता है। तो अब हम उसके जो केसेस आपके पास आएंगे आपके क्लिनिक पे, तो ज़्यादातर हम बेलेडोना के फीवर केसेस हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फीवर के केस पे वो बहुत अच्छा काम करता है, स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों के पिंपल्स एक्नीज के प्रॉब्लम होते हैं या फिर स्किन में कहीं पे बॉयल्स हो रखा है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और मेनली जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है हेडेक, बेलेडोना हेडेक का केस आपके पास बहुत सारे आएंगे आपके क्लिनिक पे। तो ये बेलेडोना का केसेस होते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है फीवर हेडेक और स्किन के प्रॉब्लम के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलिए बेलेडोना के कुछ सिम्टम्स के बारे में एलाबरेट करते हैं। तो पहला सिम्टम्स है हेडेक। तो हेडेक उसके थ्रोबिंग वाले पेन होते हैं। थ्रोबिंग पेन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे रिस्ट पे जो पल्स होता है उसमें जो बिट्स होते हैं तो वैसा वाला सेंसेशन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड थ्रोबिंग सेंसेशन। तो वैसा वाला पेन होता है उसको हेडेक पे। और पेशेंट को इतना सीवियर हेडेक होता है कि पेशेंट जो है वो पिलो पे अपना हेड को दबा के रखता है थोड़ा सा रिलीफ के लिए। तो बहुत सीवियर पेनफुल रहते हैं उसके हेडेक। देन उसको वटाइगो भी होता है इन एवरी मोमेंट। वटाइगो का मतलब कि उसका सिर चक्कर आना, सिर घुमाना। तो वो जो ये जो फीलिंग है वटाइगो के, उसके ईच एंड एवरी मोमेंट्स, थोड़ा भी उसका अगर बॉडी पोस्चर चेंज होता है, थोड़ा भी अगर वो मूवमेंट करता है तो उसको वटाइगो होते हैं। तो अब इसमें अगर हम हेडेक देखेंगे तो किन किन चीज़ों से उसको हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो है उसको नॉइज पसंद नहीं है, या फिर अगर रूम में लाइट जला हुआ है तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो एग्रावेट होंगे। और इसके जो एमिलोरेशंस हैं हेडेक के, तो उसमें अगर उसके सिर को दबाया जाए या फिर कोई टाइट बैंडेज से अगर उसके सिर को अगर बैंडेज किया जाए तो उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, और अगर थोड़ा रेस्ट करें तो भी उसको रिलीफ मिलता है। तो अभी हम नेक्स्ट सिम्टम पे आएंगे जो कि है फीवर। तो फीवर में बेलेडोना का केस कैसा होता है कि उसके जो फेस है वो एकदम से रेड होता है और हॉट रहता है उसके, फीवर के साथ हेडेक भी होते हैं उसको, और उसके जो स्किन है वो एकदम ड्राई होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके माउथ के वो बहुत ड्राई होता है। और स्पेशली पेशेंट जब फीवर में होता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आता है, बट मतलब स्लीपी वाला फीलिंग रहते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाता बिकॉज ऑफ कि उस हेडेक के लिए, क्योंकि उसके फीवर के साथ जो हेडेक होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और उसके जो आईज और उसके फेस बिल्कुल एकदम रेड रहता है। तो नेक्स्ट उसके सिम्टम है स्किन पे हम बात करेंगे। तो स्किन पे ज़्यादातर जैसे कि पेशेंट के जो फेस में या फिर स्किन में बॉयल्स होते हैं, ज़्यादातर आप पिंपल्स केसेस आपको मिलेंगे बेलेडोना के। तो जो उसके पिंपल्स या फिर जो बॉयल होता है वो एकदम रेड रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, और एकदम रेडनेस रहते हैं, और उसको बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है। तो वो जो पिंपल्स या फिर अगर बॉयल्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, इवन वो टच भी नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा पेन रहता है उसकी स्किन के बॉयल्स और पिंपल्स पे। तो
तो फ्रेंड्स, अभी हम बेलाडोना के थोड़े से मेंटल सिम्टम्स देखते हैं। तो मेंटल सिम्टम्स में अगर मैं पहले बात करूं तो वो बहुत बेलाडोना बहुत चीयरफुल पर्सन होता है, बहुत लाइट हार्टेड पर्सन होता है, और उसको डांसिंग में इंटरेस्ट होते हैं, उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा लाफिंग में भी उसको बहुत इंटरेस्ट है। तो बहुत फ्रीडम काइंड ऑफ नेचर का होता है वो, बहुत बिंदास होता है। तो लेकिन अगर उसको उसके बॉडी में अगर कोई कंप्लेंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, तो वो तब फियर एंड एनजाइटी में उसके बदल जाते हैं। और फियर्स अगर उसको बोला जाए तो वो बहुत सारे चीज़ें इमेजिनरी थिंग्स को फियर में उसके कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक वो कुछ भी सोचता है, लाइक जैसे कि डिल्यूशन उसको होता है ऑफ गैलोज। गैलोज का मतलब ये है कि एंशियंट टाइम पे एक लोगों को मार के हैंगिंग किया जाता था, तो दैट इज कॉल्ड गैलोज। तो ऐसे कुछ अजीबो गरीबो चीज़ों को ये बेलाडोना पर्सन सोच सोच के डरते रहता है, और यही उसका फियर एंड एंजाइटी होता है मोस्टली। और जैसे रास्ते में अगर कहीं जा रहा है तो उसको फियर ऑफ एनिमल्स होते हैं, कोई भी एनिमल्स देखेगा तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा वो डर जाता है। तो ये थे उसके कुछ फियर्स एंड एनजाइटी के बारे में। और हाँ, इसके जो कंप्लेंट्स होते हैं, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये बेलाडोना होता है कि उसके कंप्लेंट्स बहुत सडन आते हैं और सडन जाते भी हैं। पर लेकिन जितने टाइम के लिए उसके कंप्लेंट्स लास्ट करता है, जितने टाइम तक रहता है उसके कंप्लेंट, तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा वो इंटेंसली फियर एंड एनजाइटी में वो बदल जाता है। और कोई भी बुरे सिचुएशंस पे वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है और वहाँ से वो चला जाता है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस नहीं करता उस सिचुएशन को। तो फ्रेंड्स, हम अगर बेलाडोना के थोड़े से डिज़ायर्स पे बात करें, लाइक उसको खाने में क्या पसंद है, तो वो है लाइक लेमन जूस या फिर कोई भी खट्टे वाले चीज़, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये उसके डिज़ायर हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बेलाडोना के बारे में। तो मैंने कोशिश किया है कि शॉर्टकट पे बेलाडोना को कवर करने के लिए। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, एंड मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।